इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव ने माँ को सावधान किया, सावधान सुनो सुमति भवा। सावधान क्यों किया? वक्ता को सावधान होना नहीं पड़ता है, श्रोता को सावधान होना पड़ता है। अनेक विघ्न श्रोता के साथ आते हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। सुनने वाले को अनेक विघ्न आते हैं, कहने वाले को कोई विघ्न नहीं है, वो तो कह ही रहा है, कहेगा ही। लेकिन बाबा सावधान बार बार कहते हैं, सावधान। मैं भी आपको सावधान करता हूं, सावधानी से सुनिए। बाबा ने पांच कारण बताए, जय विजय को सनकातिक गणों का शाप, तीन जन्म असुर शरीर धारण करोगे। हिरणाक्ष हिरणाकशिप हुए, रावण कुंभकर्ण हुए और शिशुपाल दंतवक्र हुए। बाबा कहते हैं मुकुतन भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। जालंधर अपनी अर्धांगनी सती वृंदा के पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके उसके आश्रय में देवताओं को त्रास देता था। भगवान विष्णु ने लीला किया और जालंधर का अंत हुआ। जालंधर नाम था ना, तहा जालंधर रावण भयवु, रन हति राम परम पद दयवु। कश्यप अतिथि जी के पुत्र जब दशरथ कौशल्या हुए हैं, इस रूप में राम रूप में भगवान आकर इसको गति प्रदान किए। भगवान के आशीर्वाद से वही वृंदा सती तुलसी जी का विरवा हुई और भगवान को उसने काला पत्थर होने का ऐसा शाप दे दिया। तो भगवान गंडकी नदी में जो बिहार प्रांत में बहती हैं, शालग्राम शिला हो गए और तुलसी जी जब उन पर पधारती हैं तो उनकी पूजा पुष्ट होती। कर्म सिद्धांत। बाबा कह रहे हैं देवी एक बार नारद जी ने शाप दिया, भगवान को एक अवतार इसलिए लेना पड़ा। चौथा कारण, मनु शत्रुपा जी को भगवान ने ऐसा वरदान दिया, आप सरिस खो जाऊं कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। इसलिए भगवान ने एक अवतार लिया। अयोध्या जी की कथा सुब्रत की कथा में बनाकर और बाबूजी को दे दी, उसमें हमने पूरा ये पांचों कारण सुनाया, आप सुन लेंगे। अयोध्या जी में भी जन्मोत्सव की कथा हम लोगों ने बड़े विस्तार से कही है, आप YouTube पर सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम संक्षेप कर रहे हैं इसलिए वो कथा बाबूजी को मिलेगी, श्रवण करेंगे। मनु शत्रुपा जी सृष्टि के आदि पिता माता हैं, कठोर तप किए, परिणाम स्वरूप देखे, जीवन में जो तप करेगा वो चमकेगा। आराम से भैया कुछ नहीं मिलता है, आराम से न मिला है न मिलेगा। कर मठता ही आराम है, क्रिया सिद्ध सत्वे भवती। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, आज मेरे साथ चलिए। आनंद में रहिए, आराम न करिए। बचपन खेलिए पढ़िए, युवानी को गलाइए तपाइए और बुढ़ापा से भजवाइए, ये जीवन है मनुष्य का। भजो 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 भाई राम गोविंद हरि, भजते रहिए भजते रहिए, जपते रहिए गाते रहिए। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। सत्यकेतु महाराज कैकेयी नरेश, जो आजकल अफगानिस्तान है कांधार, उसका नाम था गंधार,
उसी का नाम कैकई देश था। सत्यकेतु वहां के राजा थे, बिना दंड का उनका पताका रथ पर चला करता था, धर्म दंड था, धर्म दंड। उनके दो पुत्र हुए प्रताप भानु अरिमर्दन, महासचिव धर्म रुचि। विप्रों के शाप के प्रणव स्वरूप प्रताप भानु का राज विध्वंस हो गया, विनष्ट हो गया। प्रताप भानु रावण बने, अरिमर्दन कुंभकर्ण भये, और इनका जो विशेष धर्ममय भाव को रखने वाला सचिव था धर्म रुचि, वो विमात्र भाई विभीषण हुआ। तीनों ने कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी और मैं बाबा माँ को सुना रहे हैं, देवी जाकर वर दिए। रावण केवल एक ही वर मांगा, मैं किसी के मारे मरू नहीं। पितामह ब्रह्मा ने कहा कि भैया देख, जो जन्मा है वो जाएगा, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, ऐसा कोई नहीं है जो मरेगा नहीं। यहां मरना ही सत्य है, आना सत्य है और जाना सत्य है, तो मरना तो निश्चित है। तुम जिसको सबसे कमजोर समझते हो उनको ले लो। रावण ने कहा वानर मनुष्य को छोड़कर हम किसी से न मरे, इनको तो मैं खाई जाऊंगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा था कुंभकर्ण के पास गए, देखा इनका इतना विशाल शरीर, खाएगा तो 3 दिन में सृष्टि चबा जाएगा पूरी। सरस्वती जी को प्रेरणा किया, उसकी बुद्धि चकरा गई। कुंभकर्ण मांगना चाहता था 6 माह जगूं, खाऊं पीऊं मौजूं, 1 दिन रात मिला के सोऊं तो नींद पूरी हो जाए, और भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती जी को प्रेरित किया तो उल्टा मांग गया, 6 माह सोऊं, 1 दिन जगूं, खाऊं पीऊं फिर सो जाऊं। तथास्तु, बिना विलंब लगाए भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण बड़ा कुपित हुआ, ये मेरा भाई सोता ही रहेगा तो करेगा क्या। पितामह ब्रह्मा ने कहा भैया देख, जैसा इसका शरीर है इसको सोने में ही भलाई है। अब विभीषण जी के पास गए, वहां जाकर कहते हैं ब्रह्मा जी, कह वो पुत्र ब्रह्मा ते ही मांग सी भगवंत पद कमल तथा। ये मन की अवस्था जन्म जन्मांतर चलती है, मन की अवस्था जन्म जन्मांतर चलती है, इसलिए प्रयास हो कि मन भजन में रहे, उत्पात में न रहे। मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणों, गीता जी कहती है, मन में चलता रहे, खटर पर न चलता रहे, मन में भगवान का प्रेम चलता रहे, भगवान का सुमरण चलता रहे, भगवत भाव में चलते रहो। माला की संख्या बढ़ाया जाए, माला की संख्या, मनन की संख्या, स्मरण की संख्या, कथा की संख्या, प्रेम की संख्या, किसके प्रति, भगवत प्रेम के प्रति। जगत के स्मरण का कोई लाभ नहीं है, हम वो हैं जहां हमारा मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन को इसी में उलझाए रहिए। उद्धव जी कहते हैं ना, भगवान में, भगवान के ब्रह्म भाव में मन लगाओ। गोपियों ने क्या कहा, उद्धव मन न भयो दशरी, एक रयो सो गयो श्याम संग को अवराधे श्रबोधो मन न भय दस। एक मन से एक काम, क्या मन लागो मेरो यार फकीरी में, एक रस में रहिए, अनेक रस न पैदा करिए, कहीं रहिए। मन यदि सदसद गया, संभल गया, रम गया, जम गया, तो भाई आपसे बड़ा आनंदी नहीं। मन प्रभु में चलने दीजिए, सब कुछ करते करते के साथ मन को इसी में रमाया जाए।
तो ये तीनों भाई वर पालिए, मैदानव जो दैत्यों के विश्वकर्मा हैं उनका नाम है माया, अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किए, पाताल जाकर दोनों भाइयों का विवाह करके लाया राक्षस विधि से। विवाह की 8 विधियां हैं, चर्चा करेंगे। विवाह की सबसे श्रेष्ठ जो विधि है वह आर्ष विवाह है, जिसको मनुष्य विवाह कहते हैं। फिर तो अधाधूत दरबार है, जिसका जो मन करे वही करे ले रहा है, कलिकाल है, ठीक है जो है सो। लेकिन जो विधि है वो विधि का भगवत कृपा हो तो पालन होना चाहिए, नहीं तो जो है सो ही है। अब रावण ने अपने स्वजनों परिजनों बाल बच्चे जैसे बढ़ने लगे, सबको एक ही मंत्र देता था, जय विद हो दिवेद धर्म निर्मूला सो सब कर ही वेद प्रति शुभया चरण कतहु नहीं हो देव बेप्र गुरु मान अतिशय देख धर्म के हानि परम सभीत धरा धरती उत्पात इनका देख करके व्याकुल हो गई। मुनिगणों के पास गई, मुनि लोग ब्रह्मलोक पधारे, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पधारे और बैठकर विचार होने लगा कि भगवान कैसे सुनेंगे, भगवान कैसे करुणा करेंगे, कैसे मिलेंगे। सब अपना अपना मंतव्य कह रहे थे, पुर वैकुंठ जान कह कोई को कह पय निधि बस ते समाज गिरिजा में अवसर उपाय बचन हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो अग जगमय सब रहित विरागी प्रेम के प्रभु प्रगट जैसे काष्ट से घर्षण के साथ अग्नि प्रत्यक्ष होती है वैसे प्रभु को पुकारने से प्रभु अपने आप प्रत्यक्ष होंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।